आज मैं एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही, साथ साथ ऐसी एजुकेशन देगी जो कहीं ना कहीं आपकी सोच को बदल देगी। ये एक कहानी आपके गोल को अचीव करने में आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। तो आइए जानते हैं ऐसी एक कहानी जिसका शीर्षक है चमकीले नीले पत्थर की कीमत। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार करें। साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहां से चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक फल विक्रेता के पास गए और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। फल विक्रेता बोला, मुझे लगता है कि ये नीला सीसा है, महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ यह सुंदर और चमकदार दिखता है, तुम मुझे दे दो, इसके मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूंगा। वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तनों का व्यापारी था। उनसे उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए उसकी कीमत जाननी चाहिए। बर्तनों का व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपये दे दूंगा। वो आदमी सोचने लगा कि इसकी कीमत और भी अधिक होगी और यह सोच वो वहां से चला गया। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला कि ये काफी कीमती है, इसके मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूंगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वो शहर के सबसे बड़े हीरे के व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जब वो पत्थर देखा तो देखता रह गया, चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम यह कहां से लाए हो, यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। देखा बच्चों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपने आप को कैसे आंकते हैं, क्या हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं। आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स से अपने आप को कम मत आंकिए। आभार।